हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मिता और स्वागत है आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी मेथड से मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ, तो अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे इजीली बना सकते हैं। बस जो मेथड मैं आपको बताऊँगी आपको उसे फॉलो करना है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पिक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए ये मैंने जो फैब्रिक लिया है, ये जो सूट के साथ फैब्रिक आता है ना, वही वाला फैब्रिक है। 2 मीटर फैब्रिक है और कॉटन का है ये। ये मैं मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ, लेकिन आप किसी भी साइज का इसे बना सकते हैं। अब हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पूरा फैब्रिक है उसको मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड करके पहले रख लिया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब ये जो ऊपर से ये फैब्रिक हमारा अनइवन है, इसे इवन करने के लिए हम मार्क करेंगे, ताकि जो भी ऊंचा नीचा है ना वो निकल जाए। अब ये जो हमने ऊपर मार्किंग की है, यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरी जो तैयार लेंथ है वो है 37 इंच। तो यहाँ पर मैं 37 इंच पर पहले मार्क कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये जो हमने ऊपर मार्क किया है, यहाँ से सबसे पहले हम कॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो कॉच एरिया का निशान लगाने के लिए जितना भी आपका हिप का मेज़रमेंट है, आप उसे पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 9 इंच आता है, और इसमें हम 2 इंच और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंच। तो यहाँ ये जो हमने मार्क किया है, यहाँ से मैं 11 इंच पे मार्क करूँगी कॉच एरिया के लिए। अब ये जो हमने मार्किंग की है, यहाँ पे हम अपने हिप की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका फुल हिप मेज़रमेंट है, उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो मेरे केस में डिवाइड करने के बाद 9 इंच आता है, और उसमें 2 इंच और प्लस करके ये मैंने 11 इंच पे मार्क कर लिया है। और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ऊपर तक ड्रॉ कर देंगे, मतलब हमें 11x11 का एक बॉक्स पहले बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे कॉच एरिए का शेप ड्रॉ करने के लिए हमें इसे थोड़ा सा बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच और इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्लस साइज़ के हैं तो आप यहाँ पे 2.5 इंच या फिर 3 इंच ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे जैसे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें नी लेंथ निकालना है। तो उसके लिए जितना भी आपका टोटल लेंथ है, ये देखिए हमारी जो टोटल लेंथ है वो है 37 इंच, और अब इसका हम हाफ कर लेंगे, और इसका हाफ होगा 18.5 इंच। तो ये मैंने 18.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम घुटने की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपके घुटने का मेज़रमेंट है, आप उसे 2 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 2 से डिवाइड करने के बाद आता है 7.5 इंच, और इसमें 1.5 इंच की हमने लूजिंग ऐड की, और ये मैंने 9 इंच पे मार्किंग कर ली। इसके बाद ऊपर जो हमने ये कॉच एरिए का निशान लगाया है, वहाँ से हम नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम थाई की मार्किंग करेंगे। तो थाई की मार्किंग के लिए जितना भी आपका मेज़रमेंट है, आप उसे 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो मेरे केस में 2 से डिवाइड करने के बाद 10 इंच आता है, और इसमें भी मैंने 1.5 इंच ऐड करके 11.5 इंच पे ये मार्किंग कर लिया है। जो भी आपका मेज़रमेंट आएगा, सब जगह आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है लूजिंग के लिए। अब ये जो हमने नी के लिए मार्किंग की है, वहाँ से नीचे तक मेज़र करके देखेंगे कि ये कितना है। तो ये देखिए 18.5 इंच है। अब इसका हाफ हमें निकाल लेना है, तो ये 9 इंच आएगा, और ये मैंने 9 इंच पे मार्क कर लिया। अब जितना हमने नी के लिए मार्किंग की थी, उससे 1 इंच कम यहाँ पर हमें मार्क करना है। तो ये मैंने 8 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब इन सारे मार्क को हमें मिला लेना है कर्व शेप देते हुए, और ये देखिए इसका शेप बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे आपने शेप पट्टी से इसको शेप दिया है। तो अगर आपके पास भी शेप पट्टी नहीं है तो आप इस तरह से इसे शेप दे सकते हैं। इसके बाद हम नीचे मोहरी की मार्किंग करेंगे। अब नीचे हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो आपको जितनी भी अपनी मोहरी रखनी है, आप उसका हाफ कर लीजिए। मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसे नीचे ले जा करके जो हमने मोहरी की मार्किंग की है उसमें इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है, और अब हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे स्टिचिंग की मार्जिन रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पीस की कटिंग कम्प्लीट हो गई है।
अब इसको ही रख करके हम बैक पीस को कट करेंगे। तो ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसके ऊपर ये जो हमने फ्रंट का पीस कट किया है उसको इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ मैंने 1.5 इंच जितनी मार्जिन छोड़ी हुई है, क्योंकि जो हमारा बैक का पीस होता है वो थोड़ा बड़ा कटता है, तभी फिटिंग अच्छी आती है। तो इसको इस तरीके से बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे, और जैसे हमने फ्रंट का पीस कट किया है सेम उसी की तरह हम ये बैक का पीस भी कर लेंगे। बस ये जो ऊपर की तरफ है इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे कट करना है। तो ये मैं पहले इसे कट कर ले रही हूँ। इसके बाद ये जो हमने ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसे स्केल की हेल्प से इस तरीके से तिरछा हमें मिला देना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों पीस को कट कर लिया है, और अब हम इसके बाद इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले बैक के ये दोनों पीस को मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखा है, और यहाँ कॉच एरिया पे हमें स्टिच करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम कॉच एरिया स्टिच करेंगे। इसके बाद जो हमारा फ्रंट का पीस है उसके दोनों पीस को लेंगे और एक दूसरे के ऊपर रख करके इसके भी कॉच एरिया को पहले हमें स्टिच कर लेना है। तो पहले मैं फ्रंट और बैक दोनों पीस की कॉच एरिया को स्टिच कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए कॉच एरिया से हमने इसे स्टिच कर लिया है, और ये हमारा फ्रंट का पीस है। पहले हम फ्रंट के पीस को ही तैयार करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट के पीस में दोनों तरफ हमें प्लेट बनाना है इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाना है। और इसका जो मेज़रमेंट है, मतलब एक तरफ का जो मेज़रमेंट है, जितना भी हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट है उसका 1/4 पार्ट + 1 इंच होना चाहिए। तो मेरा जो वेस्ट का मेज़रमेंट है वो है 28 इंच, और उसका 1/4 पार्ट होता है 7 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे मेज़र करके देखेंगे, ये इधर जो इतना फैब्रिक है प्लीट डालने के बाद 8 इंच होना चाहिए, और ये देखिए पूरा पूरा 8 ही है। अब हम इसको मेज़र करके देखेंगे ये जो हमने प्लीट डाला है वो कितने इंच पे है, तो ये 5 इंच पे है। अब दूसरी तरफ भी हम 5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से एक प्लीट डाल लेंगे। और इधर भी अब हम मेज़र करके देखेंगे, इधर का भी फैब्रिक हमारा 8 इंच ही होना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरफ भी ये 8 इंच है, तो इसी तरफ से दोनों तरफ हमें ये प्लेट डाल लेना है। अब फ्रंट के पीस में हम बेल्ट अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है, और इसके साथ ही मैंने ये फ्यूज़ पेपर कट किया है, और इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 1.5 इंच ली है। अब इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे ऊपर से, ये देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, और इसे स्टिच कर लेना है। सेम इसके ऊपर ही रख करके हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने बेल्ट स्टिच कर ली है, इसके बाद हम इसको अपने फ्रंट पीस में अटैच करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो हमने प्लीट बनाई थी इसको मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी, ताकि जब हम इसे स्टिच करें तो ये हिले नहीं। अब इसके बाद हम इसमें हमने जो ये बेल्ट बनाई है उसे अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट का पीस है इसको उल्टी साइड पे रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर ये जो हमने बेल्ट बनाया है उसको रखेंगे, और बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने बेल्ट को यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसको हम फ्रंट साइड में फोल्ड करेंगे, तो इसको इस तरह से रखेंगे और फ्रंट साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर हम एक बार स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। इसके बाद हम बैक के पीस को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बैक के पीस के कॉच एरिया को मैंने ज्वाइन कर लिया है, और अब इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो जितना भी इसका वेस्ट का मेज़रमेंट है इसको इस तरीके से रख करके हम एक पट्टी कट करेंगे, ये देखिए ये मैंने मार्क कर लिया है, और इतनी लंबी पट्टी हमें कट करनी है, और इसकी जो चौड़ाई हमें लेनी है वो लेनी है 2.5 इंच, जितना हमने फ्रंट में लिया था सेम उतना ही लेना है। तो पहले मैं इसे कट कर ले रही हूँ। अब इस पट्टी को हम अपने बैक के पीस में अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा बैक का पीस है इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, और उसके ऊपर इस पट्टी को वेस्ट लाइन पे इस तरीके से रख करके पूरे में एक बार हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसको हम फ्रंट साइड पे फोल्ड करेंगे जैसे हमने अपने फ्रंट के पीस को किया था। तो ये देखिए जहाँ पे हमने इसे स्टिच किया है वहाँ से इस तरीके से इसको बिल्कुल बराबर से हमें फोल्ड करना है फ्रंट साइड में, ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्रंट साइड में फ़ोल्ड करना है, और थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें पूरे में हमें स्टिच कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। इसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि हमारा इलास्टिक पास हो सके। तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है।
अब इसके अंदर हम लास्टिक पास करेंगे, तो उसके लिए पहले हम लास्टिक का मेज़रमेंट लेंगे। लास्टिक का मेज़रमेंट निकालने के लिए जितना भी आपका वेस्ट साइज़ है आप उसे पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 2 से डिवाइड करने के बाद 14 इंच आता है। अब 14 इंच में से 4-5 इंच हमें लेस कर देना है, तो 14 इंच में से मैंने 4 इंच लेस किया और यहाँ पे 10 इंच लंबी मैंने ये लास्टिक कट कर ली। ये देखिए 10 इंच पे मार्क करके यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है। अब लास्टिक को ये जो हमने बैक पोर्शन का बेल्ट बनाया है इसके अंदर हम इसको पास कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और जो हमारी ये लास्टिक है उसके एक कॉर्नर पे इस तरह से इसे अटैच करेंगे और इसकी हेल्प से हम ये जो हमारी लास्टिक है उसको बेल्ट के अंदर पास करेंगे। और ये देखिए इस कॉर्नर पे जहाँ से हमने लास्टिक डालना शुरू किया था यहाँ पे ये लास्टिक अंदर की तरफ न चली जाए, इसलिए इसको पहले हम पिन से इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे और दूसरी तरफ भी लास्टिक को बाहर निकालेंगे और यहाँ भी हम इसको पहले एक बार पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये लास्टिक हमारी अंदर की तरफ न खिसक जाए। दोनों तरफ हमें इससे पहले सिक्योर कर लेना है पिन की हेल्प से। और ये जो गैदर्स बने हैं इसको हम इवन कर लेंगे पूरे में, ये देखिए बराबर कर लेंगे बिल्कुल से। तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों पीस तैयार हो गया है, अब दोनों को हम अटैच करेंगे। तो फ्रंट पीस को मैंने इस तरीके से रखा है, सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर हम बैक की पीस को रखेंगे, बैक के पीस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और दोनों को बिल्कुल बराबर से करके दोनों की साइड की स्टिच पहले हम लगा लेंगे। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये मैंने दोनों तरफ साइड की स्टिच लगा ली है। अब एक बार हम लेंथ मेज़र करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बेल्ट जहाँ से हमने लगाई है वहाँ से लेके नीचे तक की जो तैयार लेंथ है वो 37.5 इंच है। तो हम इसमें नीचे पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ पे आपको जितना चौड़ा बॉर्डर रखना है आप उतनी चौड़ी पट्टी अटैच करिएगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से दो पट्टियाँ कट की हैं और इसको सीधी साइड पे इस तरीके से रख करके यहाँ से मैं इसको बिल्कुल बराबर से स्टिच करूँगी और अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। दोनों पैर में सेम इसी तरीके से करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इतना चौड़ा ये बॉर्डर जैसा बनाया है। यहाँ पे मैंने 3 इंच जितनी पट्टी अटैच की है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अब हम फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। तो दोनों पीस को ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बराबर से रखेंगे और यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर इसको घुमाते हुए दूसरी तरफ भी बिल्कुल बराबर से करके स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे पैंट प्लाज़ो का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा ये हमारा प्लाज़ो बन करके तैयार हुआ है। और इसके साथ की कुर्ती जल्दी ही मैं उसकी भी डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।